हेलो सर। हाय, मैं जान सकता हूँ आपका नाम और आप कहाँ रहते हैं? या मैं सेक्टर 40 गुड़गांव में रहता हूँ, विच इज नियर बाय। आपका नाम सर? मनीष मिश्रा। आपके बच्चे की एज कितनी है? सिक्स प्लस। और आप अपने बच्चे के लिए क्या देख रहे थे सर, प्ले स्कूल, डे केयर या कुछ? सर एक्चुअली आई एम लुकिंग फॉर कम्प्लीट एजुकेशन, लाइक आई डोंट वॉन्ट टू चेंज इन बिटवीन। सो मैं एक फिफ्थ सिक्स तक मैं चेंज नहीं करना चाह रहा, सो आई वॉन्ट टू कम्प्लीट स्कूल। ओके, तो आपने और कौन कौन से स्कूल देखे सर? मैंने रियान देखा, रियान ग्लोबल, रियान इंटरनेशनल, और अजंता देखा, ऋषि देखा, और उसमें मैंने तो आपको पसंद नहीं आया आपको? हाँ, मैं मतलब किसी में कुछ। तो आपने फाइनली कौन सा चूज किया और क्यों चूज किया? मैंने फाइनली सेक्टर 46 में बसंत वैली पब्लिक स्कूल चूज किया, क्योंकि यहाँ पे मैंने मल्टीपल चीजें देखी। एक तो यहाँ पर जो कोऑर्डिनेटर थी उनसे मेरा डायरेक्ट इंटरेक्शन हुआ, उन्होंने मेरी बात को समझा। मैं बहुत हाईफाई नहीं देखना चाह रहा था, जो कि अपने एजुकेशन से फोकस जिनका लूज हो गया हो। तो आई वॉन्ट अ स्कूल विच हैज फोकस इन एजुकेशन एज वेल एज एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज एज वेल एज इन स्पोर्ट्स। सो आई फाइंड दिस स्कूल टू बी बेटर अमंग्स अदर। आपके बच्चे को कितने साल हो गए सर स्कूल में? यहाँ पर उसको पढ़ते हुए 3 साल हो गए। तो सर आपके 3 साल के एक्सपीरियंस पे आप कुछ बसंत वैली स्कूल के बारे में 2 सबसे अच्छी चीजें बताएंगे सर? एक तो यहाँ पर हमें से रेगुलर फीडबैक दिया जा रहा है कि हम क्या यहाँ पे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो हम लोगों ने जिसपे यहाँ पे स्मार्ट क्लासेस के लिए बोला तो उन्होंने यहाँ पे इम्प्लीमेंट कराया। दूसरा, हमने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में कुछ चीजें ऐड करने के लिए और डे आउटिंग के लिए सजेस्ट किया था, वो सारी चीजें उन्होंने इंक्लूड करी अपने। तो आपको कुछ लगता है स्कूल को कुछ इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए किसी फील्ड में या कहीं पर, ताकि बच्चा और एक्सेल कर सके? हाँ नहीं, इम्प्रूव तो ये लगातार कर रहे हैं। हम लोग भी जो हम लोगों को बाहर से बैठे चीजें पता लगती हैं, हम लोग बताते रहते हैं, तो पूरी कोशिश कर रहे हैं ये लोग भी। और 1 से 5 के बीच में कितनी रेटिंग देंगे और पेरेंट्स के रिकमेंडेशन के लिए? 5 मैक्सिमम है। मैं 4 दूंगा। ठीक है सर, थैंक यू।